सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को 10 दिन हो चुके हैं। शादी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, तो वहीं सोनाक्षी जहीर रोमांस में डूबे हुए हैं। लेकिन शादी से पहले लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि सोनाक्षी की वेडिंग को लेकर घर में कोई हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इन सब के बीच इन दोनों के करीबी दोस्तों ने खुलासा किया है कि परिवार में चल रहे विवाद का इन दोनों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दरअसल इनके करीबी दोस्त में यानी कि प्राची का ये बयान अब आ गया है सामने। दरअसल ये प्राची का बयान जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। जी हाँ, सोनाक्षी जहीर की कोर्ट मैरिज के बाद प्राची ने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में जहीर और सोनाक्षी के क्लोज फ्रेंड्स ने लिखा, आज के समय में इस तरह का शादी का कार्ड मिलना काफी सरप्राइजिंग था। इन दोनों की वॉइस कॉल और वीडियो मिला जिसमें बताया गया कि दोनों अब शादी कर रहे हैं। ये सब कुछ काफी खास रहा। शादी के एक दिन पहले हम लोग लड़के वाले थे और शादी के रीति रिवाजों के दौरान हम लोग लड़की वाले थे और हम लोग ने काफी पार्टी बदली, प्राची ने आगे लिखा। मीडिया ने कई कयास लगाए और सभी चीजों को विवादों का सोनाक्षी जहीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे मेहमानों ने बिल्कुल परिवार जैसा फील किया। शादी सिविल सेरेमनी से शुरू हुई, उसके बाद हिंदू रिवाज के मंत्रों से साथ कन्यादान और उधार अजान की आवाज। तुम दोनों की शादी में आकर बेहतरीन लगा, तुम दोनों की शादी की ढेर सारी विशेष, उम्मीद करती हूँ कि भगवान तुम दोनों को सारी बुरी नजर से प्रोटेक्ट करेगा। जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा पति पत्नी है। दरअसल सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी से पहले ऐसी खबरें आई थी कि एक्टर शादी से नाराज है। यहाँ तक कि भाई लव सिन्हा की शादी में गैर मौजूदगी ने भी इन खबरों को कहीं ना कहीं जोर दिया। हाल ही में लव ने खुद कंफर्म किया कि शादी में वो नहीं गए थे। इन सब के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि जहीर और सोनाक्षी मीट फॉर ईच अदर हैं। वैसे आपको क्या जहीर और सोनाक्षी मीट फॉर ईच अदर लगते हैं या फिर नहीं, हमें कॉमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।